हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस एंड महाबली शेरा की मेगा अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर क्यों रोमन रेंस ड्राफ्ट हुए स्मैकडाउन लाइव में और क्या होगा महाबली शेरा का फ्यूचर, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया और अब वो परमानेंटली पार्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन लाइव का। और उस सेगमेंट में रोमन रेंस ने अटैक किया विंस मैकमैन एंड इलायस पर। और फिर रोमन रेंस ने कहा कि स्मैकडाउन लाइव इज माय यार्ड नाउ। उसके बाद फिर दोस्तों रोमन रेंस का बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं काफी टाइम से स्मैकडाउन लाइव का पार्ट नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं हमेशा से रॉ का पार्ट रहा हूँ और वहीं पर मेरा फोकस भी था। तो फिर मुझे लगता है कि अगर मुझे स्मैकडाउन लाइव में डाला जाता है तो मुझे अच्छी बुकिंग चाहिए, और बॉस को अटैक करने से अच्छी बुकिंग और क्या हो सकती है। मैं यहाँ पर आया हूँ स्मैकडाउन लाइव बेटर करने के लिए और अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। प्लस मैं यूज करूंगा मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा कैरेक्टर, एस्पेशली जो वाला कैरेक्टर एंड काफी गुड थिंग्स। मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस वेलकम करता हूँ प्रोग्रेस करने के लिए, और मैं इस प्रो रेसलिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और बॉटम लाइन यही है कि मैं इस प्रोडक्ट को बेटर करने आया हूँ। तो दोस्तों, ये था कहना रोमन रेंस का स्मैकडाउन लाइव के बैकस्टेज इंटरव्यू में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है महाबली शेरा से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि महाबली शेरा एक टाइम में इंपैक्ट रेसलिंग का पार्ट थे, उसके बाद फिर वो पार्ट बने WWE NXT का, पर उन्हें बिना यूटिलाइज किए रिलीज कर दिया गया फ्रॉम WWE। अब दोस्तों रिपोर्ट यह आई है कि महाबली शेरा इंपैक्ट रेसलिंग में जाने वाले हैं। स्पेकुलेशन ये किया जा रहा है कि महाबली शेरा नेक्स्ट इंपैक्ट के टेपिंग में रिटर्न करेंगे, पर स्टिल ये रिपोर्ट्स कंफर्म होने बाकी है। और दोस्तों, नेक्स्ट टेपिंग इंपैक्ट रेसलिंग का होने वाला है फिलाडेल्फिया में ऑन May 3 and May 4, 2019। तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि महाबली शेरा की बुकिंग कैसे होती है जब वो जाएंगे इंपैक्ट रेसलिंग में फिर से। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर रोमन रेंस क्यों ड्राफ्ट हुए स्मैकडाउन लाइव पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के स्मैकडाउन लाइव में रोमन रेंस फाइनली आ चुके हैं और उन्होंने अटैक किया विंस मैकमैन एंड इलायस पर। तो आखिर क्यों लाना पड़ा रोमन रेंस को ऑन स्मैकडाउन लाइव। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि WWE स्मैकडाउन लाइव जाने वाला है फॉक्स नेटवर्क पर इन October 2019, और इसके लिए फॉक्स नेटवर्क ने दिए है WWE को $1 billion फॉर 5 years। और आज के स्मैकडाउन लाइव में विंस मैकमैन किसी टॉप सुपरस्टार को ट्रेड करने वाले थे फ्रॉम रॉ टू स्मैकडाउन लाइव, और वो टॉप सुपरस्टार हो सकते थे ब्रॉन स्ट्रोमैन या फिर ब्रॉक लेसनर या फिर रोंडा राउजी या फिर रोमन रेंस। ब्रॉन स्ट्रोमैन का डिसीजन स्टिल बाकी है फॉर सुपरस्टार शेकअप। ब्रॉक लेसनर ने फिलहाल टाइम ऑफ लिया है WWE से, और रोंडा राउजी भी प्रोबेबली अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने भी टाइम ऑफ लिया है WWE से। तो फिर अब सिर्फ बचते हैं रोमन रेंस। इसलिए हमें रोमन रेंस जैसे टॉप सुपरस्टार ड्राफ्ट होते हुए दिखे स्मैकडाउन लाइव में। और भी दोस्तों टॉप स्टार्स आने वाले हैं स्मैकडाउन लाइव में, सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए फॉर सुपरस्टार शेकअप। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप खुश है एंड एक्साइटेड है रोमन रेंस को स्मैकडाउन लाइव में देखकर। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।